नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेहतर सेवाएं देने की चुनौती के बारे में। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल हमें मिला है जो कि जनसत्ता में छपा हुआ था, और कब 26/7/2021 के पेपर में जनसत्ता में ये बहुत ही अच्छा एक खबर छपा है, बेहतर सेवाएं देने की चुनौती। इसको जयंतीलाल भंडारी जी ने लिखा है, जो कि UPSC और जो PCS की एग्ज़ाम है उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जनसत्ता में ये लेख बहुत ही सुंदर लेख छपा हुआ है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वाले वीडियो में। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, और इस प्रकार के जो अच्छे अच्छे आर्टिकल होते हैं जनसत्ता में छपे होते हैं दैनिक जागरण में, तो उसको आप देख करके अपने ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। इस प्रकार के जो लेख हैं वो UPSC या PCS के निबंध पेपर में, नहीं तो जो मेंस का पेपर होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं जिसका आंसर हम इस वाले वीडियो के बहुत सारे जो इनपुट्स हैं उससे हम ले सकते हैं। जैसे इसमें पहला लाइन लिखा हुआ है कि भारत दुनिया के पसंदीदा वैश्विक सेवा प्रदाता केंद्र के रूप में उभरा है। जो वैश्विक सेवा प्रदाता केंद्र, मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइडर हमारा भारत जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर कंट्री के रूप में पूरे विश्व भर में उभरा है। अगर विश्व में देखें तो अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया प्रांत है, उसको जैसे सिलिकॉन वैली बोला जाता है। सिलिकॉन वैली इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए, सिलिकॉन वैली बोलने का मतलब क्या है, सिलिकॉन घाटी, यानी एक ऐसी घाटी जहाँ पर सिलिकॉन खूब होता है। मतलब सिलिकॉन ऐसे पैदा तो होगा नहीं, लेकिन सिलिकॉन मतलब ये है कि जो भी IT इंडस््ट्री के बहुत सारे चिप्स होते हैं या IT के जो पार्ट्स बनते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स के जो बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, उसमें सिलिकॉन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह लें कि प्रोडक्ट होता है जिसका प्रयोग होता है। अब चूँकि पूरे विश्व में अमेरिका कैलिफोर्निया इस मामले में प्रसिद्ध है, इसलिए उसको सिलिकॉन घाटी बोला जाता है। भारत में जिस सिलिकॉन घाटी है वो बेंगलोर शहर को बोला जाता है। हालांकि सिलिकॉन के मामले में जो ताइवान, छोटा सा कंट्री है ताइवान, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ के जो माइक्रोचिप्स वगैरह बनते हैं वो पूरे वर्ल्ड में जो है उसको एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे ताइवान और चाइना के बीच में जो क्लेशेस हैं वो मचे रहते हैं, लेकिन चाइना इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी ताइवान से थोड़ा सा दबाव महसूस करता है। उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे कारण है जो उसके बहुत सारे चिप्स वगैरह बनाते हैं, चिप्स मतलब जो मेमोरी कार्ड होते हैं या जो मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटर्स, इन सब में जो सिलिकॉन के बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ताइवान जो है विश्व में प्रसिद्ध है और वो पूरी दुनिया को जो है एक्सपोर्ट करता है। वहाँ पे एक जो सिलिकॉन है इससे बने प्रोडक्ट का एक प्रकार से हब है वो, तो इसलिए वो ताइवान बड़ा फेमस है। तो भारत भी हालांकि सर्विस प्रोवाइडर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, इंटरनेट सर्विस सेक्टर, इन सब में भारत बहुत ही आगे हैं। अगर भारत देखें पूरे 100% में से, तो लगभग कह लें 50% GDP में योगदान जो है वो सर्विस सेक्टर ही हमारा करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत दुनिया के पसंदीदा वैश्विक प्रदाता केंद्र के रूप में उभरा है। कई क्षेत्रों में दूसरे देश भारत से सेवाएं ले रहे हैं, खासतौर से सूचना तकनीकी यानी कि IT क्षेत्र में और विनिर्माण के क्षेत्र में यानी कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में दूसरे देशों द्वारा भारत में काम करवाने, जिसको आउटसोर्सिंग कहा जाता है, यानी कि कोई बाहरी देश का व्यक्ति है या फर्म है, वो अगर भारत से कोई सर्विस लेता है तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो ये कारोबार जो है भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार ने भी देश को वैश्विक सेवा प्रदाता केंद्र बनाने के लिए नीतिगत प्रोत्साहनों की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जैसे कि कह लें कि जो मेक इन इंडिया, इस टाइप के जो प्रोग्राम है, स्टार्टअप इन इंडिया, इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं वो कहीं ना कहीं ये नीतिगत प्रोत्साहन प्रोवाइड करते हैं कि भारत को एक वैश्विक प्रदाता केंद्र के रूप में, जो IT सेक्टर में जो हब हो सकता है भारत, उस क्षेत्र में उसको प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी देख सकते हैं कि इस दिशा में कई चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और UPSC में ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चुनौतियां जब लिखते हैं तो बहुत ही शानदार उसका आंसर राइटिंग हो सकता है। तो पहली चुनौती ये है कि देश में सेवा प्रदाता उद्योग का बुनियादी ढांचा, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कमज़ोर है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कि जो पूंजी की कमी हो सकती है, लोगों को सस्ते दर में जो है लोन नहीं मिल पा रहा है, इसमें कमी हो सकती है, या हो सकता है कि जो सामाजिक अशांति है या राजनीतिक अस्थिरता वाला चीज़ है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, रोड कनेक्टिविटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो उसकी कमी है। तो ये सबको हम सम्मिलित रूप से बुनियादी ढांचा की कमजोरी के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा चुनौती क्या है कि इस उद्योग के लिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, फोन व अन्य दूरसंचार
माध्यमों के जरिए चिकित्सा एवं अन्य तकनीकी संसाधनों की कमी है, यानी कि कुल मिलाकर के एजुकेशन, हेल्थ और जो कौशल हो सकता है, फिर फ़ोन यानी कि कह लें कि फ़ोन, कंप्यूटर्स, इन सब के दूरसंचार जो माध्यम है, टेलीकम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं, चिकित्सा और अन्य जो तकनीकी समाधान हो सकते हैं उसकी कमी बता रहे हैं लेखक जी। फिर तीसरी चुनौती सबसे बड़ी है भारत में कि सेवा प्रदाता उद्योग के लिए जरूरी नई प्रौद्योगिकी, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, कृत्रिम मेधा, मशीनी मानव और आभासी तकनीकी आदि से सुसज्जित प्रतिभाओं की भारत में कमी मानी जाती है, ऐसा ये कह रहे हैं कि ये चुनौती के रूप में है। कोसेरा ने अपनी रिपोर्ट ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में बताया है कि भारत वैश्विक स्तर पर कौशल में बहुत पीछे है, यानी कि 67वें स्थान पर है। तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में कोर्सेरा ने क्या बताया है, तो भारत जो है 67वें स्थान पर है, यानी कि पीछे है। फिर चौथी बड़ी चुनौती क्या है, चौथी चुनौती चीन से मुकाबले की है, जो वैश्विक सेवा प्रदाता कारोबार में भारत को पीछे करने के लक्ष्य के साथ तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चीन जो है एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है, क्योंकि वो भी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विश्व में जो है अपने धाक जमा रहा है धीरे धीरे। गौरतलब है कि इस साल 23 जून 2021 को सरकार ने भारत के BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से महत्वपूर्ण फैसले किए। सरकार ने BPO यानी कि टेलीफोन के जरिए ग्राहकों को सेवा देने वाले क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश को सरल, स्पष्ट और उदार बनाया है। इसके तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया है और अन्य सेवा प्रदाताओं के बीच जुड़ाव की अनुमति सहित कई विशेष रियायतें दी हैं। तो सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। OSP से आशय ऐसी कंपनियों या इकाइयों से है जो दूरसंचार संसाधनों का उपयोग कर IT युक्त सेवाएं, कॉल सेंटर या अन्य प्रकार की सेवाएं दे रही हैं। इसमें फ़ोन से मार्केटिंग करना, टेलीमेडिसिन आदि सेवाएं सम्मिलित हैं। टेलीमेडिसिन मतलब ये है कि इंटरनेट के माध्यम से ही लोगों को चिकित्सा संबंधी परामर्श देना, तो फ़ोन के माध्यम से मार्केटिंग करना, तो ये सारी चीज़ें भारत में बहुत फेमस हो रही हैं। ऐसे नए दिशा निर्देशों से BPO के तहत ज़्यादा कारोबार सुगमता सुनिश्चित हो सकेगी, नियम की स्पष्टता आएगी, लागत कम होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। तो सरकार जो है इस क्षेत्र में काम कर रही है, हम कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि आउटसोर्सिंग मतलब किसी भी काम को उद्योग, कारोबार, संस्थान के परिवार के बाहर देश या विदेश में कहीं भी किफ़ायती दरों पर संपन्न करवाने से है। यानी कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका को लगता है कि भारत में जो है श्रम वो सस्ती है, तो अमेरिका अपने बहुत सारा IT से रिलेटेड जो श्रम वाली व्यवस्था है वो इंडिया से जो है श्रमिक ले सकते हैं, जो लेबर है, जो टाइम है वो इंडिया से ले सकता है। तो अमेरिका क्या कर रहा है, वो आउटसोर्सिंग कर रहा है, इंडिया से वो आउटसोर्सिंग कर रहा है कि अपने सोर्स को जो है बाहर से जो है वो ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो ये है आउटसोर्सिंग। यह सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से ही संभव हो सका है। यह माना जा रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा सहित दुनिया के कई देश IT, वित्त, चिकित्सा, बैंकिंग, शिक्षा आदि कई ऐसे क्षेत्रों में भारी मात्रा में बचत राशि हासिल करने में सिर्फ इसलिए कामयाब हुए हैं क्योंकि वे अपना ज़्यादातर कामकाज भारत सहित कुछ दूसरे देशों से करवा रहे हैं। यानी कि भारत में आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा है, तो इन देशों को बहुत ज़्यादा इससे लाभ होता है क्योंकि इनके देश में जो श्रमिक हैं वो महंगे मिलेंगे, भारत में जो श्रमिक वो सस्ते मिल जाते हैं, तो इससे उनकी बहुत सारा बचत हो जाती है। दरअसल पश्चिमी और यूरोपीय देशों में श्रम लागत जो है भारत तुलना में कई गुना महंगी है, इससे किसी भी सेवा की लागत जो है वो बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों की रिपोर्टों में भी यह बात उभर कर आई है कि COVID-19 के मद्देनज़र अमेरिका सहित विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों की उत्पादन लागत घटाने के लिए बेहतर के बाहर से ही काम करवाना फ़ायदेमंद है। ये जो है बहुत सारी रिपोर्ट जो है स्टडी बता रही हैं कि जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद यही होगा कि वो अपने जो श्रम है, लेबर है, उसको किसी दूसरे जो सस्ते जहाँ पर मिल सकते हैं जैसे कि इंडिया, वहाँ से ही काम करवा लें। दूसरे देशों के काम का ठेका लेने और उन्हें सेवाएं देने के मामले में भारत के अग्रणी रहने के कई कारण हैं। जैसे दूरसंचार उद्योग के निजीकरण के बाद नई कंपनियां बाजार में आईं और प्रतिस्पर्धा बढ़ी, तो जो निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन, इसके कारण से जो है नई कंपनियां भारत में आई, तो इससे जो है IT सेक्टर का बहुत सारा उत्थान हुआ, तो इस कारण से इसका विकास देखा जा सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि दूरसंचार दरों में भारी गिरावट आई, उच्च कोटि की त्वरित सेवा
आईटी विशेषज्ञ और अंग्रेजी भाषा में पारंगत युवाओं की बड़ी संख्या ऐसे कारण हैं जिनकी बदौलत भारत पूरे विश्व में सेवाएं देने वाले देश के रूप में स्थापित हो चुका है। महामारी के दौरान घर से काम और स्थानीय तौर पर नियुक्तियों पर जोर दिए जाने से भारत की प्रमुख आईटी कंपनियों का कार्बन उत्सर्जन घटना भी भारत के लिए लाभप्रद हो गया है। यानी कि लॉकडाउन में सब लोग जो घर से काम कर रहे हैं तो उसके कारण जो है उत्सर्जन वाहनों के द्वारा तो ये सब कम हो गया है, तो ये सारे फायदे बता रहे हैं। जहां कार्बन उत्सर्जन में कमी के आधार पर भी सेवा प्रदाता कारोबार में भारी वृद्धि की संभावनाएं बनी, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद भारत को अमेरिकी कंपनियों से काम मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं। अमेरिका का उद्योग कारोबार कोरोना की इन चुनौतियों के बाद आगे बढ़ने के लिए भारत से ठेके पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने को उत्सुक दिखाई दे रहा है। तो ये तो भारत के लिए फ़ायदेमंद ही है, भारत को बहुत सारा रोज़गार इस क्षेत्र में मिल जाएगा, तो इससे तो भारत को मतलब खुश होना चाहिए कि हम इस योग्य हैं कि बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, जो विकसित देश हैं, वो हमारे से जो है श्रमिक की डिमांड करते हैं। तो ये ज़रूर है कि हम अपने अपने जो जनसांख्यिकी लाभांश है उसमें और ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके जो चुनौतियां हैं जैसे बुनियादी ढांचा हो गया या हेल्थ या एजुकेशन की कमी हो गई, कौशल की कमी हो गई, उसमें और ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करके जो है इस जनसांख्यिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड को और ज़्यादा हम मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि हम उनको सेवाएं भी प्रोवाइड कर सकें, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में और ज़्यादा से उभर सकें। गौरतलब है कि भारत की 200 से अधिक आईटी कंपनियां दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में काम कर रही हैं। भारत की 200 से अधिक आईटी कंपनियां दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में काम कर रही हैं, तो बहुत बड़ी एक सफलता है। इस समय भारतीय आईटी उद्योग में रोज़गार के अवसर भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दूरसंचार मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीपीओ क्षेत्र में करीब 14 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। भारत के बीपीओ उद्योग का आकार 2019-20 में $37.6 अरब करीब कहें कि 3.25 लाख करोड़ से भी अधिक का था, जो 2025 तक कहें कि करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक जो है ये बढ़ जाएगा आईटी इंडस्ट्री में बीपीओ के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। दूसरे देशों को ठेके पर सेवाएं मुहैया कराने वाला भारत का यह क्षेत्र विदेशी निवेशकों के लिए भी आकर्षण का बड़ा कारण बन गया है। इस कारोबार के बुनियादी आधार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का प्रवाह तेज़ी से बढ़ा है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है, इस कारण से भारत जो है इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। तो FDI के क्षेत्र में और अच्छा हम क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए और ज़्यादा प्रयासरत हो सकते हैं। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीनों में यानी अप्रैल से दिसंबर तक इस क्षेत्र में FDI का प्रवाह करीब 4 गुना होकर $24.25 अरब पर पहुँच गया था। इसके पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की समान अवधि में इस क्षेत्र में यह सिर्फ $6.4 अरब रहा था। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में जो बड़ा बदलाव आया है उसके मद्देनज़र देश को सेवा प्रदाता उद्योग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना को IT हार्डवेयर तक विस्तारित किया है। देश को वैश्विक सेवा का बड़ा केंद्र बनाने के लिए संचार के ढांचे को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। साथ ही हवाई अड्डा, सड़क और बिजली जैसे बुनियादी संसाधनों का भी तेज़ी से विकास करना होगा। सेवा प्रदाता उद्योग के लिए कृषि, स्वास्थ्य, फ़ोन पर चिकित्सा, शिक्षा यानी जिसको टेलीमेडिसिन कहते हैं, एजुकेशन, कौशल के क्षेत्र में संबंधित नई तकनीकी समाधान बनाने होंगे। साथ ही इस क्षेत्र को यह रणनीति बनानी होगी कि किस तरह के काम दूसरे स्थानों से किए जा सकते हैं और कौन से काम कार्यालय से करवाए जा सकते हैं, ताकि जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें भी भारत जो है कमी लाए। अब इस सेवा प्रदाता उद्योग को महानगरों की सीमाओं के बाहर छोटे शहरों और कस्बों में भी जाने की ज़रूरत है। यानी खाली बड़े बड़े क्षेत्रों में ना रहें कि मुंबई, पुणे, दिल्ली यहीं सब रहें, गाज़ियाबाद, बल्कि वो छोटे छोटे शहर हो सकते हैं, वहाँ पर भी IT इंडस्ट्री जाएँ, उसके जो कारोबार हो सकते हैं वो उन क्षेत्रों में भी जाएँ। भारत के नए छोटे कारोबारों के संस्थापकों को भी वैश्विक स्तर के उत्पाद बनाने पर ध्यान देना होगा, जिससे सेवा क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में जगह बनाई जा सकेगी। सेवा प्रदाता कारोबार का बढ़ने के लिए प्रतिभा निर्माण पर जोर देना होगा, तकनीकी रूप से दक्ष लोगों की उपलब्धता बनाए रखनी होगी, नई पीढ़ी को IT के नए दौर की शिक्षा देने के लिए समुचित निवेश की व्यवस्था करनी होगी। जैसे कि स्कूल में हम ऐसा कर सकते हैं कि जो बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा जो है वो हर एक स्तर पर, चाहे 10th में हो, 12th में हो,
उसको अनिवार्य बनाया जाए, और जो बेसिक कंप्यूटर्स होते हैं फिर उनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो गया, या कंप्यूटर क्षेत्र में जो नए नए सॉफ्टवेयर्स हो गए उस क्षेत्र में उनको थोड़ा सा पारंगत किया जा सकता है। आईटीआईज पॉलिटेक्निक्स में जो अलग अलग कोर्सेज हैं उसमें हम उसमें और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। नई पीढ़ी को शोध नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मापदंडों पर आगे बढ़ना होगा। कृत्रिम मेधा, रोबोट तकनीक, इंटरनेट, डाटा विश्लेषण, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवाओं को कुशल बनाना होगा, तभी अमेरिकी बाजार के साथ साथ यूरोपीय और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश अपने काम के लिए भारत की ओर बढ़ेंगे। वैश्विक सेवा प्रदाता बनने से देश में रोजगार बढ़ेंगे और विदेशी मुद्रा की कमाई भी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयां छू सकती हैं। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। होप यू अंडरस्टैंड। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद।